Hello my friends, I'm here again. Now I hope that you all are fit and healthy there. So आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसा लेके आया हूँ जो शायद आपने पहले कभी देखा हो, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल ही नया है, क्योंकि कुछ समय पहले एक वीडियो देखी थी मैंने। उसमें एक व्यक्ति अलग ही फॉर्म में बैठा हुआ था, एंड दैट वॉज एल शेप सिटिंग पोजिशन। सो उस एल शेप सिटिंग पोजीशन को मैं आज आपके सामने ट्राई नहीं मतलब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से उसको करते हैं। उसके अलावा कुछ एक एक्सरसाइज भी बताऊंगा जिससे कि आप अपना जो लोअर पोर्शन ऑफ योर एब्डोमिन रीजन है ना, उसको भी आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ताकि आप उस फॉर्म ऑफ सिटिंग को, यानी कि एल शेप सिटिंग पोजीशन को ईजिली कर सकें, और वो आपके ओवरऑल जो रीजन ऑफ योर एब्डोमिन है उसके ऊपर वर्क करेगा। ठीक है, तो है अपने आप में ही असाधारण है, अपने आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो मैं पहले बता देता हूँ आपको किस तरीके से वो थी पोजीशन। दैट वाज इन दिस फॉर्म, यू मेक एल पोजीशन फ्रॉम द बॉडी, दिस इज व्हाट विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। इसमें ओवरऑल ऑफ योर बॉडी रीजन्स लाइक ट्राइसेप्स, लाइक रियर बैक पोर्शंस आपके वर्क करते हैं। इसमें आपका जो कोर है वो मजबूत होता है, एंड ये आपके जो साइड के पेक्टोरल है ना चेस्ट के, उसको उसके ऊपर भी वर्क करता है। तो उसको करने के लिए एक एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ आपको, ताकि आप इसको इजीली कर सकें। उसके लिए फ्रेम थोड़ा नीचे करना पड़ा है, लेकिन आप इसमें आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। कुर्सी के ऊपर ही मैं बता दे रहा हूँ आपको, आपको हाथ अपने प्रेस करने हैं बिहाइंड योर हिप्स, एंड देन आपको आप क्रॉस भी कर सकते हैं आपके पैर को, और आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं। देन आपको रिवर्स क्रंचेस करने, इससे आपका जो लोअर पेक्टोरल ऑफ योर एब है ना, एब्डोमिनल रीजन, वो वर्क उसके ऊपर होता है, वो स्ट्रेंथन होता है। एंड वंस दिस लोअर पोर्शन ऑफ योर एब्डोमिन रीजन गेट्स स्ट्रेंथन ना, तो आप इजीली इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपको ये बताया है, और ये देखिए फिर से आपको मैं दिखा देता हूँ, इस तरीके से है ये। और एज आई टोल्ड यू कि ये आपके ट्राइसेप्स पे भी वर्क करता है, और रियल डेल्स हैं आपके बैक में उस पर भी वर्क करता है। और किस तरीके से वर्क करता है, मतलब इफेक्ट देख सकते हैं आप इसका, जैसे कि दिखाया अभी इस तरीके से। सो दिस वाज द थिंग विच आई वाज थिंकिंग कि अब मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं और आप सभी लोगों से उस चीज़ को रूबरू कराऊं।